फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा हुआ था आप लोगों को कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जो है वो आज होने वाला है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आज आपके सामने लेकर आए। और हमारे साथ शानी भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। शानी का जो ये म्यूज़िक होता है जब हम मंडे की सुबह ये म्यूज़िक सुनते हैं, जो हमारी थकान होती है, ज़ाहिर सी बात है संडे के बाद जब मंडे आता है तो काम करने का वैसे ही दिल नहीं चाहता, लेकिन शानी का म्यूज़िक सुनकर और साजिद के हाथ की चाय पीकर हम बड़े ही फ्रेश हो जाते हैं। और फिर हमारा जो ये 11 बजे का ये स्लॉट होता है उसमें बहुत एनर्जेटिक हम जो है वो दिख भी रहे होते हैं। आज हमारे साथ जो है वो कुछ गेस्ट भी यहाँ पर जो है वो हमें ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। सारा जॉनसन हमारे साथ है जो कि मॉडल है, उनको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे साथ जो है वो फैसल शाह भी हमारे साथ मौजूद है जो कि बड़े ही फेमस कॉमेडियन है, उनको भी वेलकम करूंगी मैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो पहले तो मैं एक्सपीरियंस आप लोगों का पूछूंगी कि कितना बुरा लगता है आपको संडे के बाद मंडे मॉर्निंग में काम करना? मुझे लगता है बस आदत है, अब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उस पर करना पड़ता है काम। कुछ हमें अपनी कहना चाहिए कि अपनी फितरत से हटकर कुछ काम होते हैं तो हमारा काम नहीं है सुबह का। अच्छा, हाँ, ये हमारी फितरत में नहीं है सुबह का, लेकिन करना पड़ता है। कुछ हमारे ऐसे हैं मेट्रोवन की, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, उनके फोन पर आते हैं तो बस अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि आपको टीवी पर सुनते रहते हैं तो सोचा कि आज आप बैठ के सुबह सुबह देखें। थैंक यू सो मच सर, ब्रेकफास्ट करें। थैंक यू सो मच, ये आप लोगों की मोहब्बत है। सारा आप क्या कहेंगे, कितना मुश्किल लगता है मंडे मॉर्निंग काम करना? बहुत मुश्किल लगता है एक्चुअली, क्योंकि संडे से आई थिंक इंसान को स्टार्ट हो जाता है वो एक पैनिक अटैक्स आना, इंसान इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि सुबह ऑफिस जाना है, सुबह काम पे जाना है, काम करना है। अच्छा, एक दिन में हम रूटीन भी खराब कर लेते हैं अपना। बिल्कुल सही कह रही है, और संडे तो सोचों में ही गुजर जाता है कि नेक्स्ट डे काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो है वो हमारे यहाँ पर सिंगर भी जो है वो आने वाले, लेकिन हमारे सिंगर जो है वो अभी गायब हैं और वो आ नहीं पाए हैं, तो हम सब भी उनका ही वेट कर रहे हैं। शानी भी उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है शानी जो है वो पियानो प्ले करेंगे और वो गाएंगे, ये एक अलग ही जो है वो कॉम्बो बन जाता है दोनों का। लेकिन हमारे सिंगर अभी गायब हैं, आप लोगों को मिले तो मेट्रो न्यूज़ के ऑफिस जो है वो उनको लेकर आइएगा। अच्छा फैसल, मैं आपकी जानिब आऊँगी क्योंकि आप कॉमेडियन हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को मूड एक होता है ना, लोगों का चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है अगर किसी कोई कॉमेडियन आपके सामने भी बैठा हुआ है और अगर उसके कोई एक चुटकुले आपके सामने आ गए तो इंसान की जो थकन होती है वैसे ही उसके एक चुटकुले से जो है वो गायब हो जाती है। तो आप दूसरों को तो हंसा रहे होते हैं ना, तो ये कितना मुश्किल होता है कि कभी आप सैड हैं लेकिन फिर भी आपने कुछ ऐसा करना है कि सामने वाला हंस जाए लेकिन आपने फीलिंग्स कंट्रोल करनी है, तो ये कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल काम, बहुत टफ जॉब है। शोबिज के हवाले से सबसे ज्यादा टफ जॉब है, क्योंकि इसके अंदर आपके अपने ऊपर क्या गुजर रही है ये आपको स्टेज पे तो बताना नहीं, बता नहीं सकते। आपके एक्सप्रेशन ऐसे होने नहीं चाहिए। दरअसल बात ये कि मैं कुछ सोबर कॉमेडियन में आता हूँ, क्योंकि कुछ कॉमेडियन ऐसे होते हैं जो लगते ही कॉमेडियन आते के साथ ही उनकी चाल ढाल बिल्कुल ऐसा ही बताते दिए कि कॉमेडियन है, लेकिन कुछ कॉमेडियन ऐसे होते हैं जो बहुत सोबर होते हैं लेकिन वो स्टेज पे जाके अपना फन दिखाते हैं। बिल्कुल, तो हम स्टेज पे काम के लिए जाते हैं, हमारे साथ भी एक लाख परेशानी है, शादीशुदा है तो बचेंगे नहीं, समझिए आप, शादीशुदा हैं हम जी, तो इसलिए हम बचेंगे नहीं, परेशानी है। क्योंकि मैं बहुत खुश रहता था, बहुत खुश रहता था मैं, फिर किसी ने मुझसे कहा भी शादी कर लो, कुछ ये सब कुछ नहीं होती, तो फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? तो फिर अब ये देख लें, जब और खुशी आ गई जिंदगी में, नहीं है मैं आपको वैसे खुशी देखिए, बीवियां जो होती है ना, बीवियां मैं कुछ किसी और वजह से कह रहा हूँ, बीवियां जो होती अच्छी बीवी, सीरियसली बता रहा हूँ, अच्छी बीवी अल्लाह की नेमत है, अगर आपको मिले अच्छा शौहर भी अल्लाह की नेमत है, ये नहीं सिर्फ बीवियां बीवी है, अच्छी बीवी अल्लाह की नेमत है अगर आपको नसीब से अच्छी मिल जाए और जिंदगी अच्छी हो जाती है, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। लेकिन ये तो खैर बीवी का टॉपिक है, टॉपिक है हमारा स्टेज पर जाके परफॉर्म करना। मैं आपको बताता हूँ, आप ज़ियामुद्दीन साहब से जो जिनको मैंने सुना, ज़ियामुद्दीन साहब, अनवर मकसूद साहब, फिर मोइन साहब, फिर उमर भाई के बाद लाइन लग गई है कॉमेडियन की, क्योंकि वो पता चल गया था कि इन अल्फाजों में भी सर वो क्वालिटी लेकिन आज तक नहीं मिल पाती, पता है वो क्वालिटी नहीं होती। अब जो थोड़ी हमारे यहाँ कॉमेडी भी ऐसी होने लगी है, अगर हम सोशल मीडिया भी देखें कहीं ना कहीं थोड़ा वल्गरपन होता है सर। वो आप, मैं उसकी नियत बताता हूँ, देखिए आज आपकी मैं मेट्रो वन की इस प्लेटफॉर्म पर ये बात करना चाहता हूँ, कॉमेडी हम एक अच्छे लेवल पर सुने, एक बेहुदा कॉमेडी हमें अच्छी लगती है,
आप इंडिया की कॉमेडी जो सुनते हैं अपने जो भी मोबाइल में या टीवी पे इंटरनेट पे, आप इंजॉय करते हैं उसको, उनके जुमले आप इंजॉय करते हैं, आपको बुरा लगता है, लेकिन आपके मुल्क के अंदर कोई स्टेज पर आके आपका अपना कॉमेडियन जरा सी गलत बात कर देना, आपको गुस्सा आ जाता है यार ये इसने कैसी बात कर दी। हर इंसान मजाक करता है, आप अपनी दोस्तों में जो मजाक करती हैं वो भी मेरे सामने आप नहीं कर सकते, लाइफ नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल ऐसा ही वो मजाक नहीं कर सकते हम, अबे तबे से भी बात नहीं कर सकते, बिल्कुल दैट्स ट्रू, क्योंकि यहाँ की एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है कि हम हमें अच्छे अल्फाजों में आपसे बात करनी है, आप भी अच्छे अल्फाजों में बात करनी है। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलियाँ होती हैं जहाँ पर हम कोई बात करते हैं, वो चार लोगों को तो वो अच्छी लग रही है, एक को बुरी लग रही है, मैं उनको कहता हूँ जिनको बुरी लगती है उठ के चले जाएं, क्यों सुनते हो भाई? That's true. जब आपको जब टीवी पे देखते हो या मोबाइल में देखते हो, जब आपको बुरा लगता है आप उसको स्किप कर दो, आप स्किप कर दो, आप चले जाओ वहाँ से, लेकिन आप दूसरे का मजा खराब नहीं करो। हमारे इस मुल्क के अंदर में उमर भाई तो लेजेंड है पाकिस्तान, मैं खुद उमर भाई को देखकर, उमर भाई को सुनकर 85-86 में उमर भाई की कैसेट आई थी आडियो, आप शायद पैदा भी नहीं हुई होंगी, कितनी एज है आपकी, क्योंकि किसी लड़की से एज पूछना इट्स कॉल्ड टैबो, हाँ ये बहुत बुरी सी बात हो जाएगी, इट्स कॉल्ड टैबो, दैट्स व्हाई वी सेड इट्स कॉल्ड टैबो ना, क्योंकि हमारे पास 85-86 में जो उमर की कैसेट आई थी, मैंने मुझे पूरी याद थी वो, उस समय मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी, पूरी याद मुझे थी, इतना मुझे क्रेज था उमर भाई का, फिर उनको देख देख के फिर हालात। अच्छा कॉमेडियन को कॉमेडियन नहीं बनाता, फील्ड नहीं बनाती है, उससे बनाते हैं हालात। आप याद रखिए कि कॉमेडियनों की हिस्ट्री उठा के देख लें, जो शख्स जितना दुखी होगा वो उतना बड़ा कॉमेडियन होगा। यप, ऐसा ही है। अब लिख लें आपकी, आप किसी की पर्सनैलिटी से अंदाजा नहीं लगा सकते उसके ऊपर क्या गुजर रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर, लेकिन पता है कि वो कॉमेडियन क्यों बनता है, क्योंकि अगर वो कॉमेडियन नहीं बनेगा तो वो सुसाइड कर लेगा, इतना अपने अंदर वो नहीं पका सकता, उसे बाहर निकालना है, तो उसे बाहर निकालने के लिए उसको इग्नोर करना है, इग्नोर करने की उसको अच्छी अच्छी बात है। अब ये शानी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हसन शिराजी, मैं शानी भी कहता हूँ। अब ये कहीं जाने वैसे भी इससे हटकर हम कई बार जब बैठते हैं तो हम जब बातें करते हैं तो हम वो बातें करते हैं कि ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम अभी यहाँ से घर जाएंगे, 1 लाख परेशानियाँ हैं, अभी हमने आपने सब ने इन्होंने ये 1.5-2 साल का कोरोना पीरियड गुजारा है, बिल्कुल ऐसा ही। अभी आपने कहा संडे कैसा लगता है, मेरे लिए तो 2 साल से संडे चल रहा है, शोबिज वालों के ऊपर जो अभी हालात है वो आपको पता है कितने खराब है, बिल्कुल वो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन हमारे लिए तो संडे चल रहा है, लेकिन कितनी परेशानी है, लेकिन उसके ऊपर भी हम फिर जब स्टेज पर जब काम करने के लिए जाते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग हमें मुस्कुराएं। मैं हमारा ताल्लुक देखिए किससे, हमारा ताल्लुक है ही खुशियों से, गमों से ताल्लुक ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, इनका ताल्लुक खुशियों से, गम से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी बड़ा कोई ब्रांड की ओपनिंग होगी वहाँ ये, बिल्कुल ऐसा इनके चलने में मेरे चलने में फर्क है, बिल्कुल सारा आपकी जानिब भी मैं आऊंगी, जाहिर सी बात है थोड़ा अलग अलग आप लोगों की भी मॉडलिंग्स होती हैं, ब्रांड्स के साथ काम करना होता है, उस पर भी कभी ऐसा होता है मूड ख़राब हो, दिल नहीं चाह रहा आज बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन करना तो है, आपने पेमेंट जो रिसीव कर ली तो फिर क्या करती है आप? अब वही क्या, जैसे कि कहा जाता है ना, तस्वीरें भी अच्छी नहीं आती फिर मूड खराब होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि हम काम ही ऐसा है, फोकस यू हैव टू फेस द कैमरा, तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा, ऐसा मेरे साथ तो पूरे ही हफ्ते होता है, एक दिन होता है जिसमें मूड अच्छा होता है, और जब एक वो रूटीन में काम हो जाता है ना तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो चीज़ हम मिस कर देते हैं और फिर हमारा मूड दिखने लग जाता है, क्योंकि शुरू शुरू में तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, फिर एक टाइम गुजरता है और फिर उसके बाद हमें उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो ऐसा है बिल्कुल, स्टार्ट अच्छा होता है लेकिन मूड खराब। अच्छा मैं चाहूंगी कि मैंने ना सारा का चुपके से ना टैटू भी देख लिया है, आई जस्ट वांट कि सारा जो टैटू उन्होंने बनाया है वो जरा दिखाए, सारा मैं चाहूंगी कि आप ये टैटू जो है वो शो करें, आई जस्ट लव इट सीरियसली, इट्स अमेजिंग और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सारा इस टैटू के पीछे क्या राज है ये भी बताया जो आपने मुझे, ये टैटू जो है मेरा इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि इससे मेरे बहुत सारे इमोशंस कनेक्टेड है, इट्स माई फादर्स हैंड राइटिंग, आई हैव लॉस्ट हिम 2 मंथ्स बैक, तो आई डोंट थिंक वो कहीं गए हैं, मेरा ऐसा मानना ही विद मी, बट ये एक है ऐसा एक ट्रिब्यूट कहें या उनकी एक एहसास है मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है कि इनकी हैंड राइटिंग है, एंड आई एम मैं दिन में कई दफ़ा जो है वो देखती हूँ इसको, तो मुझे एक एहसास रहता है कि यार ही इज़ हियर विद मी,
और उनके हाथ से लिखी हुई चीज है तो वो काफी स्पेशल है मेरे लिए. ठीक है ठीक है. एंड वी गॉट द सिंगर ऑल्सो जिसे हम तलाश कर रहे थे. अब वो हमारे सामने जो है वो यहाँ पर मौजूद है. मास खान हमारे साथ है एंड ही इज द इंटरनेशनल रैपर. रैपर होना तो बहुत मुश्किल बात होती है. सबसे बड़ी बात ये कि रैपर होना बहुत बंदा अपने सुरों को पकड़ ले वही बड़ी बात है, लेकिन रैपिंग करना तो वो सच में ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. आपको मैं वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में. सबसे पहले पता कहाँ रह गए थे आप? थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अपोलोजाइज. एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर द लोकेशन, मिल नहीं रही थी. अच्छा. People were like just misguiding me, which happens in Karachi for some reason. And I'm so sorry I got lost and I got no, no, it's my really apologies. Okay. It's really okay. हम वैसे आपको इतना तलाश कर रहे थे. हमारे टीम के अदील और बासित तो जा रहे थे आपको ढूंढने के लिए ही. तो जाहिर सी बात है शानी आपका बहुत देर से वेट कर रहे थे कुछ सुनाने के लिए. तो मैं चाहूंगी कि आप जो है वो जाहिर सी बात है बातें गपशप थोड़ी हो चुकी है. मैं चाहूंगी कि आप जो है वो कुछ सुना दे सारा. आप माइक उन्हें दे दें. ठीक है. उन्होंने ट्रैक लगाया हुआ है. ट्रैक इज दिस वर्क ऑन. ओके. साउंड चेक की जरूरत है. हेलो. ओके स्टार्ट है. आप स्टार्ट करेंगे शानी वॉक द म्यूजिक ना. वी गॉट माय ट्रैक. मेरे पास ट्रैक पड़ा है. ओके आप इधर आ जाएं. ओके राइट. लेट्स सी ट्रैक लगाया हुआ है. ओके वो ट्रैक लगा दें ब्रदर. वी गो लाइव राइट. Yes, we got life, not the. All right, okay. Let's go. That's how it goes. Check. Awaaz bada de thodi. From the outside. Yo. Moas Khan in the house. Yo. Oh. Mama, meri pyari mama, mujhe niche lao. Thodi lori sunao. Khub gale lagao. थोड़ा प्यार करो. कैसे कैसे लाऊं तुझे मेरे बच्चे तेरे बाबा के पास. नहीं है इतने पैसे मुझे जाना है USA. चाहिए ढेर सारे डायमंड हीरे. खर्चे चर्चे हाँ. Yo, Baba's back. Forget about him, he's a loser. मैं क्या करूं बच्चे. हार चुका हूँ मैं बिल्कुल. टूट चुका हूँ मैं बिल्कुल. लुट चुका हूँ मैं हाँ. Check. Yo, याद 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 तुझे जाना जब था मैं जेल में. Love letter post kiye the mail mein. Andheron ka raja, kali wadiyon ka shehnshah. Mera naam hai Moas Khan, main hoon Urdu ka bachcha. Yo, come on, oh, oh, keep it mellow, yo. Kong Khan in the house, yo, come on, yo. That's how it is. That's how it goes. Yo, yeah. 2021, yo, Metro News in the house, yo, Karachi, yo, come on, Moas Khan, yo, next round. Mujhe tumhare saath nahi rehna, I wanna commit suicide, but I know somebody who's got diamond heere. Hi, Bashir, you're a pilot, oh my god, wanna ride a plane, yaar. Moas, ab tum zeher khao, jaake mar jao, jaake lut jao, I don't care, huh. याद है तुझे जाना जब था मैं जेल में. लव लेटर पोस्ट किए थे मेल में. अंधेरों का राजा काली वादियों का शहंशाह. मेरा नाम है मोआ खान, मैं हूँ उर्दू रैप का बादशाह. दुनिया करे सिर्फ खुदा को सजदा. छह साल बाद फिर उठाया है कलम. जैसे लिरिक्स में दम, जैसे दुनिया से तम, जैसे मस्त मलंग. I walk to the valley of the shadow of the dead god. बस so many times जैसे वादत जी. बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत कुछ रेस किया, बहुत जहर टेस्ट किया, बहुत सुनी मैंने बड़ों बड़ों की बातें. पहले सीढ़ी पे चढ़ाते, फिर है सीढ़ी को जलाते. अब तो देखो कर ली मैंने स्ट्रीट PhD. बीरा मीरू पाक. No matter where I be, yeah, yeah. 2021. Your name is Senna in the house. We got the guests in the house. We got my brother here. Much love. Thank you so much, Metro. Thanks a lot. हमने आपके लिरिक्स में नोट किया. यू एड ऑल थिंग्स हियर ना. आपने बहुत चीजें इसमें ऐड कर दी. एक हमने देखा कि एयर को भी मेंशन किया हुआ है. एंड देन जो है वो टूटा हुआ दिल भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो इसमें नजर आया. आपके लिरिक्स है, आपने लिखे हैं. माय लिरिक्स, इट्स माय लाइफ एक्चुअली. आई एम रैपिंग जस्ट लाइक आई वाज लिसनिंग टू हर. शी लॉस्ट हर Dad, I lost my mom too. Oh. So it's my both side emotions, and then I'm talking about the world, about the people. Like when you have your mom and dad, जब आपके माँ बाप जिंदा होते हैं ना, तो like चीजें बहुत different होती हैं. But when you lose them, everybody, the world finishes off. So I understand her tattoo actually. I understand your tattoo, man. Oh. I feel you.
That's very amazing. और ये हकीकत बात है कि जाहिर सी बात है हमारे जो माँ बाप होते हैं उनका जो साया हमारे सर पर होता है, हम जब अभी हम महसूस नहीं कर पाते, हम कुछ भी कह देते हैं उन्हें, हम हर चीज़ उन्हें कह रहे होते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमें किसी का किसी के मोहब्बत का एहसास उस वक्त होता है जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है, तो बर्रे मेहरबानी उस मोहब्बत का एहसास बाद में करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी जो आप लोगों के साथ हैं उसका एहसास करें और मोहब्बत करना सीखें। हम मोहब्बत लेने के लिए तैयार होते हैं लेकिन मोहब्बत जो है वो देने के लिए तैयार नहीं होते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में मोहब्बत जो है वो देना सीखें, लेते तो सब हैं। हमारे साथ जो है वो फैसल कॉमेडियन भी यहाँ पर जो है मौजूद है, एक रैपर है, दूसरी मॉडल है और तीसरी जो है वो कॉमेडियन है। बहुत ही ज़बरदस्त आज जो इस सेट की रौनकें हैं वो सच में दुबाला हो गई है। अच्छा, उन्होंने तो रैपिंग के जरिए कुछ किया, मैं चाहूँगी कि आप एक दो जो है वो चुटकुले हमें सुनाएं। देखिए, हमारे पास हम लोग जो पब्लिक फिगर आते हैं, हम पब्लिक के कॉमेडियन हैं यहाँ पर, लेकिन अभी जो हमारे दोस्त ने परफॉर्म किया बहुत अच्छा किया और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे अब कराची के अंदर इसका ट्रेंड निकला है ना। yes. कि अभी ये लोग आ रहे हैं बाहर, क्योंकि हम क्यों बाहर के लोगों को ज़्यादा इतना exactly. देते हैं, हम अपने लोगों को सुनना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इनकी एक बात बहुत अच्छी, उन्होंने अपनी मदर के बारे में भी बताया मुझे, इनके फादर मेरे भी फादर, तो बहुत इमोशनल सा माहौल बन गया हमारा, क्योंकि हम तीनों का यही ये आपने बहुत अच्छी बात बोली माँ बाप। मैं तो कहता हूँ कि जो माँ बाप होते हैं ना, अगर आपको कोई भी सक्सेस मिले ना, सबसे पहले शुक्रिया के हकदार माँ बाप ही हैं। हकीकत बात, आप जाके उनको कहें थैंक यू करें। जब भी आपको कामयाबी मिलती है, कुछ भी मिलता है, उनको थैंक यू करें, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आपको आज ये इज्जत मिली है, ये मकाम मिला है। जो भी यहाँ पर जो जितने भी हैं, ये दोनों हैं, मैं तो उनको अप्रिशिएट करूँगा, इतना प्यार करते हैं। मुझे भी मेरे फादर बहुत याद आते हैं, कि बड़ी अच्छी अच्छी बात उन्होंने बताई है। उन्होंने ही मुझे ये बात कही थी कि बस दुनिया को हंसाते रहो, बस That's really amazing. That's really amazing. और आप तीनों ही आज हमारे साथ जो टैलेंट मौजूद है वो काबिले तारीफ है और मेरी बेस्ट विशेस आप तीनों के साथ हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाएं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और हमारा जो आज का मकसद है वो यही है कि आपके चेहरे पर जो है वो मुस्कुराहट हम बिखेर सके। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर आप तीनों को मैं वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। फैसल साहब के साथ आएंगे उनकी तरफ। सर, बड़ी सीरियस मिजाज भी लगते हैं जब, लेकिन जब आप स्टेज पर पहुँचते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि लोगों के कहके रुक सके। स्माइल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन लोगों के कहके नहीं रुकते जब आप स्टेज पर पहुँचते हैं। सर, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब इतना ज़्यादा माहौल बन गया हो हंसी का ही कि वो जो आपको कंटिन्यू करना था, एक आगे का जुमला या एक आगे का जो लतीफ़ा था या चुटकुला था उसे आगे कंटिन्यू करना था, वो आपसे खुद भी नहीं हो पाया, आप इतना हंसने लग गए? नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अपनी कॉमेडी में खुद नहीं हंसते। अगर वो हंसते भी है, क्यों देते हैं हंसने का, तो वो ऑडियंस के लिए देते हैं, वो खुद नहीं हंसते। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं कि अल्लाह का शुक्र है, जब मैं करता हूँ बेसिकली, मैं लतीफे नहीं सुनाता, नेचुरल कॉमेडी। हाँ, वो दौर गया, एक पठान होता है और एक सरदार होता है, वो दौर गया। अब यहाँ पर बिल्कुल कॉमेडी जो होती है वो फिर बस आमद पे होती है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हम आमद पे कॉमेडी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि हमें जाके यहाँ से शुरू करना है। हाँ। बस मुझे बीवी तो बड़ी खुश रहती होंगी फिर आपसे, बीवी मतलब आपको गुस्सा तो आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बीवी जहाँ गुस्से में हो गई उसी वक्त आप जो है फिर आपने बता दिया बेगम आज मैं यहाँ से गुजरा, बेगम आज ये सिचुएशन हुई। देखिए, ये शुरू शुरू में होते थे जब हम घर से निकलते थे, नई नई शादी हुई थी, तो बीवी से हम कहते थे कि हम आज मैं यहाँ से जा रहे थे, गाड़ी आई बस मुझे मारने वाली थी, मैं साइड में हो गया, तो अब कुछ हो तो नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बस मैं साइड में हो गया। ये शादी की एक महीने तक की बात है। अच्छा। फिर शादी की दो तीन साल बाद मैंने बताया मैं जा रहा था यार, ट्रक वाला आया तो कहीं नीचे ही आ जाते। ये शुरू शुरू की मोहब्बत होती है। मियाँ बीवी, आप ये बताओ, सबसे बड़ी कॉमेडियन जोड़ी जो है ना यही है। हाँ। मियाँ बीवी कॉमेडी सीखता आदमी बीवी से। अच्छा। हाँ, सबसे पहली कॉमेडी जो है आदमी की जब शादी होती है ना, जो उससे पहले जो बातें होती हैं। हाँ। मेरी जब मेरी शादी हुई थी तो बड़े अच्छे मैसेज आते थे मुझे, आई मिस यू, मैं इंतजार कर रही हूँ। एक जो बिल्कुल घटिया जुमला जब मैं कहता हूँ आई लव यू, दिन में 5-6 मरतबा मुझे मैसेज आता था आई लव यू। अच्छा, बीवी का ही ना? हाँ, बीवी का ही आता था। और तो कोई अल्लाह का शुक्र घास में डालता।
ट्रक के नीचे आ जाए तो वो एक मैसेज आता था, मैं आपको याद कर रही हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती हूँ, फलाना ढमाका, घर आ जाए जल्दी, घर आ जाए जल्दी, ये शुरू हुआ। फिर एक डेढ़ साल बाद फिर वो मुझे मैसेज आने लग गया, आते हुए पैंपर ले आना, धनिया पुदीना ले आना, हाँ वो चीनी खत्म हो गई, चाट मसाला खत्म हो गया, चाट मसाला कोई आई लव यू सब गया भाड़ में, ठीक है ठीक है, फिर कुछ नहीं आता था, ठीक है यही मैसेज आता, इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। सुबह में और आज का शो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारे ये शो जा रहा है, क्योंकि आज हमारे पास तीन ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड से जो हैं, लेकिन शोबीज से उनका ताल्लुक है जाहिर सी बात है, लेकिन उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका जो है वो क्या पैगाम है, और इस लॉकडाउन में अब क्योंकि वापस लॉकडाउन आ गया है तो कितना उनकी लाइफ को मुतासर हुआ है, और कितना आगे जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐसी करनी चाहिए कि आप लॉकडाउन में भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने टैलेंट को बरकरार रख सकते हैं। फैसल के पास मैं सबसे पहले आऊँगी, फैसल लॉकडाउन आ गया है दोबारा से तो इंसान की फिटनेस भी वैसे ख़राब हो जाती है लॉकडाउन में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को क्योंकि ये वक्त होता है आप फैमिली के साथ गुजारते हो, इस वक्त को किस तरह से हम सुनहरा बना सकते हैं? देखिए ये मौका है अभी, क्योंकि ये जो मोबाइल आने से हमारे रिश्ते दूर हो गए ना, क्योंकि मैं आपको वैसे बता दूं कि मियां बीवी की पहले लड़ाई होती थी तो वो एक डेढ़ घंटे में सॉर्ट आउट हो जाता था, लेकिन आजकल वो अपने मोबाइल में लगी रहती हैं, ये अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, हफ्तों गुजर जाते हैं, 15-15 दिन गुजर जाते हैं, मैं अभी भी मैं ये सीरियसली मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है, तो अभी तो मौका है आपको अपने रिश्ते करीब लाने का, तो जिन रिश्तेदारों के पास आप नए गए हैं अपनी फैमिली को लेके जाएं, अपनी फैमिली को वक्त दें, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, हम तीनों जो भी यहाँ बैठे हैं हम तीनों ऐसे हैं, मैंने अपनी मुझे याद नहीं पड़ता कि अभी रिसेंटली कुछ सालों में कोई मैंने इवेंट यानी कि मैं गया हूँ उसमें तक कोई अटेंड किया हूँ रिश्तेदारों का, नहीं मैं जाता हूँ शो में चले गए, क्यों हमारी टाइमिंग शो की टाइमिंग और शादी की टाइमिंग को सेम है, तो अभी अगर कोई शादी आदि आ जाएगी तो इंशाल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा, तो मतलब अपनों में रहें और अपनों से मोबाइल से दूर, और अपनों मोबाइल से दूर, ठीक है सारा आपकी जानिब पे आऊंगी मैं। किस तरह से बना सकते हैं बंदा इस लॉकडाउन को? और लॉकडाउन में मेरा ख्याल है मैंने जो सीखा है या मेरी मैं जो टिप देना चाहूंगी, मैंने मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी इस तरफ मैं ज्यादा गई हूँ, मेडिटेट करना, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ इस टाइम में आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि हम बहुत इजिली ब्रेक डाउन डिप्रेशन या इस सब में जा सकते हैं, ठीक है, तो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेडिटेट करें, ईट हेल्दी, ईट क्लीन, एक रूटीन जरूर सेटअप करें, कैसे नहीं कि सोए हैं तो सोए ही रह रहे हैं और फिर उसी टाइम में कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ उसे मैनेज नहीं कर रहे, ठीक है, और फैमिली के साथ तो टाइम बिल्कुल अब घर पे तो स्पेंड करना ही होता है, फैमिली से आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, हकीकत बात है फैमिली से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और हो सके तो टेंशनों से दूर जाएं और अपनों के करीब जाएं, और आप सबका जो है वो बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपने जो है वो इतनी अच्छी आज हमारे यहाँ गपशप जो है वो यहाँ पर हुई है। मैं चाहूंगी कि आप जो है वो हमें, आपका भी थैंक यू सो मच कि आप आए यहाँ पर और इतना अच्छा आपने एक माहौल बना दिया, लेट हो गए तो क्या हुआ लेकिन आ गए आप, ये बड़ी बात है। मैं चाहूंगी कि आखिरी कुछ जो हमारे पास टाइम है वो आपके रैपिंग पर जाए। प्ले द ट्रैक प्ले कर सकते, ट्रैक प्ले कर दे कहीं भी, या वी आर जस्ट गोना सी, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, फिक्स माय शर्ट अगेन, दिस इज माय सॉन्ग, इट्स कॉल्ड सुसाइड, okay, yeah, it's called Suicide. Check, one, two, one, mera naam hai Force Khan, haan, ye hai meri kahani, meri apni zubani, haan, check, check, one, two, here we go, haan, check, one, two, thoda uncha bolo, thoda zor se bolo, thoda uncha bolo, thoda zor se bolo, thoda uncha bolo, thoda zor se bolo, khud khushi, barbadi, meri thi yehi zindagi, tanhai, रुसवाई, मेरी दी यही बंदगी, हाँ शाम मुझे चाहिए थी खुशी, देखा मेरी रूह कितनी खाली, उठी तेरी जो डोली, चली मेरे हाथ से फिर गोली, जाना मुझे नहीं पता मुझे मुझ में थी ऐसी क्या कमी, गुटा गुडी टूटी हाँ, जोड़ी मेरी टूटी हाँ, खाली ये कहानी हाँ, रक्त बर्फानी हाँ, nightmares and I, you
दे मुझे मेरे बच्चे, ख्वाहिशे वो बिल्कुल सच्चे, मासूम फरिश्ते जहर पी के गोले, तेरे सारे वाले दे बिल्कुल झूठे, हर रात काली कितने गम काले, चीखो ना जाना जैसे दम घुटे, जैसे नागंडे से ये बंदीवारे तेरी कब्र खोदे, तुझे दफना दे, देखो ना जाना कितना टूटा हूँ मैं, अंधेरों का राजा, गली गलियों का शहंशाह, मेरा नाम है मोहसिन हाँ, मैं हूँ उर्दू रॉक का बादशाह, हाँ खुद खुशी बर्बादी मेरी थी यही जिंदगी, हाँ करनी रुसवाई मेरी थी यही बंदगी, हाँ यार बस सजना